जब तक ये जीव भगवान का ध्यान नहीं करेगा, ये जीव जब तक भगवान का चिंतन नहीं करेगा, तब तक उसके मन को विश्राम नहीं प्राप्त होगा। तन की शुद्धि होती है नहाने से, स्नान से। गंगा जी में डुबकी लगा लो, तन शुद्ध हो जाएगा। धन को शुद्ध करना है तो दान कर दो, धन शुद्ध हो जाता है। दान करने से धन की शुद्धि होती है, पर मन की शुद्धि ना तो स्नान से होगी। तीर्थों में भी जाके स्नान करोगे तो उससे भी तन शुद्ध होगा, पाप नष्ट होगा, लेकिन मन को शुद्ध नहीं कर सकता कोई। किसी ने कहा, मन बिगड़ा था संसार के चिंतन से और अब मन सुधरेगा भी तो सुधरेगा श्री कृष्ण के चिंतन से। जब ये मन भगवान का चिंतन करने लग जाता है, जब ये मन भगवान का सुमिरन करने लग जाता है, जब ये मन भगवान का ध्यान करने लग जाता है, तब इस मन की शुद्धता होती है। क्योंकि संसार का आप कितना भी ध्यान कर लो, किसी ने बहुत सुंदर बात कही कि संसार जब भी मिला, जिसको भी मिला, अधूरा मिला। किसी को भी आज तक संसार पूरा नहीं मिला। पूरा नहीं मिले का मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। किसी को, किसी का जन्म किसी अच्छे परिवार में नहीं होता। भक्ति में परिवार नहीं मिलता, समझने वाला परिवार नहीं मिलता, समझने वाले माता पिता नहीं मिलते। वो मिल जाते हैं तो आगे चल करके कोई समझने वाला साथी नहीं मिलता। वो सही मिल जाता है तो आगे समझने वाले शायद बच्चे नहीं मिलते। यानी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी। किसी को सब कुछ अच्छा मिल जाएगा तो शरीर में भगवान कुछ ना कुछ फॉल्ट दे देंगे। वहां शरीर भी ठीक हो गया तो पैसे की तंगी। यानी कि कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। संसार से जब भी कोई गया, संसार जब भी जिसने छोड़ा तो असंतुष्ट होके ही छोड़ा है। ये किसी ने नहीं कहा कि भैया हमने जो कुछ था पा लिया, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं। कौन कहता ये बात? कहता जो जो भगवान को पा लेता है। जैसे गोस्वामी जी ने कहा, पायो परम विश्राम, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। कोई दुनिया में आपको ये कहता नहीं मिलेगा कि अब कछु नाथ न चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए। दुनिया में लोग नहीं कहते हैं, क्योंकि उनको तो कुछ ना कुछ चाहिए होता है। पर ये कौन कहेगा जिसने भगवान की भक्ति को पा लिया? वही कहेगा कि अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। तो संसार के चिंतन से मन बिगड़ा और भगवान के चिंतन से मन सुधरेगा। इसलिए जब घर में हो, जब अकेले हो, तो कभी थोड़ा सा समय निकाल करके भगवान का चिंतन किया करो। चिंतन क्या होता? भगवान की लीला का चिंतन किया करो। जैसे हो यहाँ पर, मन से वृंदावन पहुँच गए, मन से जाकर के ठाकुर जी की सेवा कुंज में सोनी सेवा लगा रहे हो, जाके श्री राधा रानी के महलों में सीढ़ियों में सेवा कर रहे हो, ये चिंतन है। ये करने से मन सुधरेगा, मन की अशुद्धता दूर होगी। और इसीलिए भगवान श्री
प्रिया प्रीतम ने इसलिए तो ये अवतार लिया कि चिंतन करने के लिए लोगों के लिए बहुत आसानी बन जाएगी। नहीं तो मैं अगर आपसे कहूँ, जो करते हैं बहुत सारे लोग, पर मुझसे कोई कहे तो मुझसे तो नहीं होगा कि आंख बंद करो और एक घंटा एक बिंदु का ध्यान करो, मुझसे तो नहीं होगा। आपसे हो जाए तो बहुत अच्छी बात, प्रणाम आपको। पर अगर कोई ये कहे नहीं तुमको आंख बंद करके भगवान की गिरिराज गोवर्धन लीला का चिंतन करना, तो खूब एक घंटा हो सकता है भगवान के लीला की, कोई महारास का चिंतन करना, महारास का चिंतन हो जाएगा। प्रिया प्रीतम की निकुंज लीला का चिंतन करना, वो हो जाएगा। इसलिए तो भगवान ने एक आकार लिया ताकि आकार से हमारे मन में, मन का जुड़ाव उनसे हो जाए, इसलिए भगवान ने आकृति ली। नहीं तो बताओ तो, जो अबध्य हो, जो स्वतंत्र हो, उसको बंधने की क्या जरूरत थी? वो बंधन में बंध के क्यों आया? वो स्वतंत्र रह सकता था, पर वो ब्रज में आके परतंत्र, मैया यशोदा के हवाले हो गए। जब मैया खिलाएगी, जब मैया पिलाएगी, तभी भोजन करेंगे, जब सुलाएगी जभी सोएंगे। तो स्वतंत्र होते हुए भी अगर वो भगवान बंधन में बना है तो किसी और के लिए नहीं। सच्ची बात तो ये है कि वो अबध्य, बंधा, बद्ध हुआ तो केवल और केवल हम लोगों के लिए, हम जनों के लिए, हम जीवों के लिए। नहीं, उसको क्या जरूरत थी बंधने की? क्या जरूरत थी प्रकृति के नियमों में, बंधन में बंधने की? पर भगवान ने कहा कि भैया देखो, जैसे एक बच्चा आम के पेड़ पर सबसे ऊंची डाली पर फल लगा हो, पर उसके बेचारे के हाथ नहीं आ रहा है, वो खूब तोड़ उछल रहा है, कूद रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर एक दिन क्या होता है, धीरे धीरे वो आम पकने लग जाते हैं, फल पकने लग जाता, उनमें रस भर जाता, और जैसे जैसे रस भरता है तो फल लदने से टहनियाँ, डालियाँ झुकने लग जाती, झुक जाती, और झुक जाती हैं तो इतनी नज़दीक आ जाती हैं कि अब वो बच्चा जरा सा उछल के हाथ करता है और तुरंत फल उसके हाथ में आ जाता है। वैसे ही जो अबध्य भगवान थे, जो साधनों के बल से उछल उछल के जिन्होंने पाना चाहा, वो भी नहीं पा सकते क्योंकि वो साधनों की सबसे ऊंची टहनी पर बैठे थे, पर फिर एक दिन उन भगवान में करुणा का रस भर गया, और ऐसा रस भरा कि वो इतने सहज हो गए कि अब उछल के उन तक जाने की जरूरत नहीं, वो चल करके इस धरती पर अवतार ले लेते, वो हमारे नजदीक आ जाते, वो हमारे पास आ जाते। अब इतने सहज हैं गोपियों के लिए कि छुए तो सामने कृष्ण, इतने सहज हैं यशोदा मैया के लिए कि गोद में ले तो सामने कृष्ण। तो ये सहजता भैया हम सबको प्राप्त हुई है। अब इसमें कोई कहे कि नहीं नहीं भगवान तो निराकार होता है, तो देखो हम तो कहते, गोपियां कह रही है कि हमको ना चाहिए वो भगवान जाके हाथ ना हो, हमको ना चाहिए वो भगवान जो हमते बातें ना कर सके, हमको ना चाहिए वो भगवान जाके गाल पकड़ के हम खिला ना सके, हमको तो ऐसो भगवान चाहिए जाके संग हम बात करें, नाचें, गाएं, वाकू खिलावें, वो हमें खिलावे, हमें तो ऐसो ठाकुर पसंद है, हमें तो ऐसे ठाकुर ते प्रेम है, और ऐसे ठाकुर दुनिया में एकमात्र एक ही है, सारी दुनिया में एक ही ठाकुर है, जाकु तुम गले भी लगा सको, डांट भी सको, प्रभु श्री राजा रामचंद्र के संग भी ना कर सको। ये सब आप राम जी की अगर सेवा पूजा करनी होगी तो बड़ी विधिवत विधि विधान ते करनी पड़ेगी। यही तो कारण है कि सबरे आजकल लोग कुछ ज्यादा करनी पड़े नहीं, लड्डू गोपाल जी को धर झोला में कहीं भी ले जाएं, पोर्टेबल से गोपाल जी हैं, कहीं भी संग चल पड़ते हैं। खैर, उसमें भी थोड़ा विधि विधान का ध्यान रखना चाहिए, कुछ लोग थोड़ा बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखते, बहुत गलत है, कहीं भी ले गए, कहीं भी रख दिया, भोग नहीं, आरती, वो नहीं होना चाहिए। लेके जा रहे हो तो फिर विधिवत सेवा करनी चाहिए, पूरी सेवा करो।
खिलौना थोड़ी है कोई, गुड्डा थोड़ी है, भगवान है। या तो फिर इतना इतना प्रेम से रखो कि उनसे ऐसा रिश्ता बना लो, ऐसा संबंध बना लो कि कोई गलतियां भी हो तो भी ठाकुर जी कहे अरे कोई बात ना, अपनो ही तो है, माफ कर दो। या तो संबंध इतना बढ़िया हो, ठाकुर जी बालक हैं, कई लोग कहते हैं हमारे ठाकुर जी बालक हैं, तो भैया जैसे बालक की ड्यूटी रहती है सुबह शाम दोपहर, हर बार मैया चेक करती रहती है भूख तो ना लगी, अब कोई मलमूत्र त्याग गए तो कपड़ा तो ना बदलने, तो ये सब ध्यान मैया रखती है। अगर ठाकुर जी को बालक मान रहे हो तो फिर वैसे ही ध्यान रखो, एक एक पल को ध्यान रखो कि अब ठाकुर जी को क्या आवश्यकता है। जो मान रहे हो, जैसा संबंध बना रहे हो ना भगवान से, वैसा व्यवहार करो फिर। और लाख बातों की एक बात है, हम तो सारी उम्र आज से नहीं, जब से थोड़ा बहुत होश समझ में आया बस एक ही बात कहते हैं, भैया भगवान से एक रिश्ता बनाओ, और सारी उम्र यही बोलेंगे भगवान से रिश्ता बनाओ, भगवान से संबंध बनाओ। ऐसा रिश्ता होना चाहिए भगवान से कि कोई उंगली उनकी तरफ ये करके तुमसे पूछे कौन है ये आपके, तो सोचना ना पड़े, एक पल के लिए भी सोचना ना पड़े, तुरंत जुबान से निकल जाए कि हमारे भाई हैं, हमारे बेटा हैं, हमारे पिता हैं, हमारे प्रियतम हैं, जो भी मानो, जो भी मानो। एक भक्तमाल जी में कथा आती है, मुझे उनका नाम तो याद नहीं, पर भाव कुछ ऐसा है कि एक बूढ़ी मैया थी, वो ठाकुर जी को अपना बालक मानती, तो बालक मानती और मैया अकेली थी, कोई आगे पीछे नहीं बाको, सो लाल जी को ही अपनो लाला मानती। तो कुछ समय बाद बूढ़ी अम्मा को भगवत धाम चली गई, अब दाह संस्कार कौन करे, तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी स्वयं बालक मानती थी, तो बेटा बन के ठाकुर जी आए उनका दाह संस्कार करने के लिए, और जब पूरा संस्कार हो गया तो फिर गोपाल जी की जो मूर्ति थी उसको कोई अपने बोले अम्मा तो गई अब घर ले जाओ, तो कहते गोपाल जी को जब घर ले जाया गया तो ठाकुर जी ने कितने दिनों तक श्रृंगार धारण नहीं किया, मतलब मुकुट पहनाए तो जानबूझ के गिरा दे, गले में माला पहनाए तो टूट जाए, धारण नहीं करें, क्यों, क्योंकि जैसे कोई शोक होता घर परिवार में, तो ठाकुर जी ने वो शोक मैया का अपने स्वयं किया कि हमारी मैया चली गई, अब हम ऐसे कोई साज श्रृंगार नहीं करेंगे। तो कोई रिश्ता बनाए तो ठाकुर जी से। और वो भजन तो सारी दुनिया ने सुना ही होगा, आप लोगों ने तो सुना ही होगा, भगत के वश में है भगवान, मैया का डॉक्टर ने लगाई यहाँ पर धड़कन की जगह जो होती है स्टेथोस्कोप, और जैसे लगाया तो ठाकुर जी के भीतर से धड़कनों की, धड़कने की आवाज ध्वनि आने लगी। तो इसका मतलब बड़ा सीधा है, हमारे घर में बैठे ठाकुर जी टुकुर टुकुर सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कैसे कर रहा है, सब सब देख रहे हैं ठाकुर जी, पर्दा के पीछे छुपे छुपे, कभी कभी बाट भी निहारते रहते हैं कि भैया इसको थोड़ी जिंदगी से एक आध मिनट की फुर्सत मिल जाए तो हमारे सामने आके बैठ जाए, हमसे दो बातें कर ले, हमसे दो बात हो जाए इसकी, पर हम करते ही नहीं। तो भैया प्रेम की शुरुआत होती है रिश्ते से, प्रेम की शुरुआत होती है संबंध से, और किसी से प्रेम करना है तो उसकी पूरी डिटेल पता होनी चाहिए, उसका स्वभाव पता होना चाहिए, उसके गुण पता होना चाहिए, बिना ये जाने कैसे प्रेम हो जाएगा। और जिनसे हमको संबंध नहीं बनाना होता, मतलब दूरी दूरी का रिश्ता रखना, उनकी ज़्यादा डिटेल हम लेते भी नहीं क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं। अब कोई आदमी किसी डॉक्टर को दिखाने गए तो थोड़ी ना उससे पूछेगा कि डॉक्टर साहब पहले ये बताओ आपके नाम कितनी प्रॉपर्टी है,
उसको क्या मतलब, पर उसी डॉक्टर को अगर अपनी बेटी ब्याहने जाएगा तो जरूर पूछेगा, क्योंकि रिश्ता बनाना है तो पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा। तो भगवान से अगर रिश्ता बनाना है तो पहले उनके बारे में पूरा जानो। ये 7 दिन का ये जो सत्संग सत्र होता है ये उनको जनवाने के लिए ही होता है कि देखो जानो भगवान ऐसे हैं, देखो जानो भगवान का स्वभाव ऐसा है, जानो उनके गुणों को। और जान करके जब जान लिया कि भैया हमारे ठाकुर जी इतने दयालु हैं, हमारे ठाकुर जी इतने कृपालु हैं, तो फिर चांस मत लो, अब मौका मत गवाओ, अब बस भगवान से अपना एक रिश्ता बना लो, अपना संबंध बना लो। ये आप सबका होमवर्क है आज का, जिनको पता है बहुत बढ़िया, जिनको नहीं पता घर जाके 5 मिनट एकदम अपने शांत चित्त होके बैठ के अपने आप से पूछना, ठाकुर जी आपके क्या लगते हैं, क्या रिश्ते में हैं आपके। भगवान और भक्त का रिश्ता ये तो बड़ा कॉमन है भैया, तुम नहीं भी मानोगे तो भी भगवान तो स्वामी रहेंगे और तुम हम दास रहेंगे, वो भगवान है हम उनके दास हैं, भक्त हैं वो भगवान है। पर एक रिश्ता ऐसा हो ना जिससे भाई हो तो भाई जैसा रिश्ता हो, पति हो तो पति जैसा रिश्ता हो, संबंध हो, बातें हो, तो पूछना अपने आप से घर जाके। कथा में बोला गया तो याद रखना कि हम जाके आज अपने आप से पूछें कि हमारे क्या हैं ठाकुर जी, क्या हैं राधा रानी हमारी, क्या रिश्ता है उनसे हमारा। और जिन्होंने रिश्ता बनाया ना ठाकुर जी से, जिन्होंने रिश्ता बनाया श्री राधा रानी से, तुम निभाओ न निभाओ पर ठाकुर जी उस रिश्ते को मरते दम तक निभाएंगे, पक्का निभाएंगे। तो संसार जब भी मिला अधूरा मिला, पर परमात्मा जब भी मिला, भगवान जब भी मिले पूरे मिले।